एन एन एमरल्ड इज एज ग्रीन एज ग्रास अब ये जितने भी यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे दीज आर अइंड ऑफ स्टोन ये पत्थर है जिनको अलग अलग नाम दिए गए हैं तो ना एन एमरेल्ड एमरेल्ड जो है इज एज ग्रीन एज ग्रास जो एमरेल्ड है वो हरा है ग्रीन है जैसे घास होती है ना एमरेल्ड को हम लोग हिंदी में कहते हैं पन्ना क्या कहते हैं पन्ना रंग Now, इस तरह के स्टोन्स दिस इज कॉल्ड इस तरह के पत्थर आपने अपने पप्पा के अंगूठी में मम्मी के अंगूठी में या गले के लॉकेट में झुमके में कहीं ना कहीं इस तरह के स्टोन्स देखे होंगे दीज आर द प्रेशियस स्टोन इन्हें प्रेशियस स्टोन कहा जाता है ना ये जो ग्रीन कलर का स्टोन होता है उसे एमरे कहा जाता है इट इज वेरी ग्रीन ग्रीन देन ग्रास नाउ अ रूबी रूबी रेड एज ब्लड जिस तरह हमारा खून होता है दिस इज रूबी आर यू बी वाई जिस तरह हमारा खून होता है एकदम गर्द लाल उस तरह से ये रूबी का रंग होता है रूबी मींस लाल लाल रंग सफायर शाइंस

जिस तरह से आसमान नीला आसमान चमकता है उसी तरह यह सफायर भी चमकता है लाइज इन मड मतलब होता है अ हार्ड रॉक विच लाइज इन अ मड मतलब होता है कीचड़। जिस तरह से कमल कीचड़ में खिलता है कोयला कोयले में हीरा मिलता है उसी तरह ये सारे जो मोती है मानिक मोती कहते हैं इन्हें मानिक मोती ये प्रेशियस स्टोन है जो कहाँ पे मिलते हैं mud me they are found in the mud now in next stanza what poet said a diamond is a brilliant stone now diamond this is a diamond diamond matlab kya hai heera diamond is a brilliant stone. Brilliant मतलब होता है highly intelligent या शानदार तेजो में तेजो में या शानदार कैसा है ब्रिलियंट है तेजो में है शानदार है टू टच द वर्ल्ड डिजायर टू कैच सॉरी टू कैच द वर्ल्ड डिजायर डिजायर मतलब होता है नीड या टू वॉन्ट हमारी इच्छा हमारी जो इच्छा है यदि हमारे पास डायमंड है इफ वी हैड अ डायमंड देन वी कैन फुलफिल आवर एवरी डिजायर अगर हमारे पास हीरा है तो हम अपनी सारी खुशियां पूरी कर सकते सारी इच्छाएं पूरी कर सकते टू कैच द वर्ल्ड डिजायर दुनिया की पूरी इच्छा हम पूरी कर सकते नाउ एन ओपन होल्ड अ फायरिंग स्पार्क ओपल दिस इज एन ओपन ओपन मतलब सतरंगी सतरंगी है ना सतरंगी या रंग बिरंगी सतरंगी या रंग बिरंगी एंड ओपल होल्ड स्पार्क ओपल कैसा है इट्स होल्ड स्पार्क जैसे आग लगी हो मल्टी कलर आग में हम देखते हैं ब्लू कलर भी दिखता है येलो रेड ग्रीन ये सारे कलर मिक्स होते हैं उसी तरह ओपल है इट्स इट होल्ड जस्ट लाइक अ फायर बट अ फ्लाइंड होल्ड फायर बट अ होल्ड फायर लेकिन ये पत्थर जो है इसमें आग होती है द स्टोन द फ्लाइंट दिस इज अ स्टोन दिस कैन बी अ फ्लाइंट अच इज होल्डिंग अ पावर जैसे पत्थर में आग होती है जैसे इन मानिक मोतियों में आग है हेवन मतलब द स्काई ब्रिलियंट मीन्स वेरी ब्राइट वर्ल्ड डिजायर मीन्स एवरी वन इन दर्ल्ड हैज अ स्टोन स्ट्रांग विश टू ओन इट सभी के दिल में एक इच्छा होती है पूरी करने की लाइक फायर और वेरी वेरी ब्राइट। मतलब हार्ड ग्रे स्टोन दैट इज यूज टू प्रोड्यूस एंड लाइट फायर। फ्लिंट मतलब क्या होता है यूज टू प्रोड्यूस अ स्टोन अ हार्ड स्टोन यूज टू प्रोड्यूस अ फायर दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लिंट सो दिस वॉज अ लवली स्मॉल पोएम ऑफ फ्लिंट जिसमें हमें लेखक ने ने हमें क्या किया है अलग अलग तरह के जो मानिक मोती है अलग अलग रंग के उनके बारे में जानकारी दी है और उनका उपयोग क्या है यह हमें यहाँ पे बताया है तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है यह एक छोटा सा सर्वे है क्या आपको हमारी सर्विसेस अच्छी लग रही है इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, तो दिए गए क्यू कोड को स्कैन करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद